अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो आपका इंडो इस्लामिक से रिलेटेड है। इसमें भी आपका जो है मोस्ट कमिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया मिडिवियल पीरियड जो था उससे रिलेटेड है। वंस लेकर के 157 तक एमसीक्यूज ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है विद आंसर के साथ। आज की वीडियो जो है उससे आगे है, इसमें 200 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन रहेंगे 200 तक, और 158 से इसका स्टार्टिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, हु इंट्रोड्यूस डबल डोम्स आर्किटेक्ट इन इंडिया आर्किटेक्चर, किसने जो है डबल डोम्स आर्किटेक्ट इंडिया में शुरू किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए आपका सिकंदर लोधी। उसके बाद यूरोपियन पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ, यूरोपियन पेंटिंग को किसके कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 159 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जहांगीर। उसके बाद है टॉम्ब ऑफ बाबर इज इन, बाबर की टॉम्ब जो है वो कहाँ पे है। तो 160 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी काबुल में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ हरप्पन कल्चर। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 166 का वो है ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्हाना डिस्क्राइब इन हिज बुक राज तरंगिनी, कल्हाना की जो बुक थी राज तरंगिनी उसमें उसने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया था। उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसके बाद फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर इज इन मार्बल इज, पहली मुगल के टाइम में पहली बनाई गई कौन सी ऐसी चीज थी जो कि मार्बल से बनी हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पर्ल मॉस्क्यू। उसके बाद है बाबर रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी एंड टाइटल, बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम क्या लिखा था, क्या रखा था। तो 169 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए तुजुके बाबरी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच सिटी वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने नहीं फाउंड नहीं किया था। तो 161 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी फतेहपुर सिकरी। उसके बाद हु सेड हनूज दहली डॉट एएसटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी निज़ामुद्दीन औलिया। उसके बाद ड्यूरिंग हुज रीजन द मराठाज रीच देयर मैक्सिमम एक्सपेंशन, किसके रीजन में मराठाज ने अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन किया था, सबसे ज़्यादा जो है फतेह हासिल की थी। तो 163 का जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है बी बालाजी बाजीराव। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, गुलबदन बेगम रॉट द बायोग्राफी ऑफ, गुलबदन बेगम ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी। तो 170 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी हुमायूं। उसके बाद है 171, हु इज़ द ऑथर ऑफ सूर सागर एंड सूर सरावाली, इन दोनों बुक के आपके ऑथर बताना है कौन है। तो 171 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सूरदास। उसके बाद इन विच ईयर मुगल्स इशूड एन ऑर्डिनेंस दैट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड विदाउट पेइंग टैक्स, किस ईयर में मुगल्स ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका जो 172 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 1717 AD। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 164, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए आपका, यानी ए को जो है वो 3 से मिलाना है और बी को जो है आपको 4 से मिलाना है, 4 से मिलेगा, और सी का 2 और डी का 1, ये आपकी करेक्ट मैचिंग है इसके खिलाफ सही से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज, अवध के लास्ट नवाब का नाम आपको बताना है कौन थे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए वाजिद अली शाह। उसके बाद 173, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। 173 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी गोपाल कृष्णा गोखले। उसके बाद हुमायूं टॉम इज सिचुएटेड एट, हुमायूं टॉम कहाँ पे है, हुमायूं का टॉम। तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज सी दिल्ली। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से वॉज पास बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से को किसने पास किया था। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज बी लॉर्ड डेल हॉसी। हु सबमिटेड अ माइन्यूट इन फेवर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1835, इंग्लिश लैंग्वेज इन 1835 में किसने जो है एक माइन्यूट को सबमिट किया था। माइन्यूट मतलब आपकी मीटिंग जो होती है उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उसी को माइन्यूट कहते हैं। तो इसके इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्ट में किसने ये जो है सबमिट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद 177, विच एनिमल इज़ नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 177 का डी हॉर्स। उसके बाद ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, ऋग्वेदा के अंदर कितने हाइम्स हैं। तो 178 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए 1028 हाइम।
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड नल दयामंती इनटू पर्शियन फ्रॉम संस्कृत। नल दयामंती को संस्कृत से पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? तो 185 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फैजी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग सिटीज एंड देयर फाउंडर्स। आपको सिटीज से उनके फाउंडर्स को मैच करना है। तो 186 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी वाला। उसके बाद 87, द सेंट्रल थीम ऑफ धामा पॉलिसी की इसकी थीम क्या थी? तो 187 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी शांति और लड़ाई झगड़े को ना बढ़ा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, हु गेव द थ्योरी ऑफ सत्याग्रह की थ्योरी किसने दी थी? तो 179 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट द रिसेप्शनिस्ट ऑफ भारत, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको अभी तक भारत रत्न से अवार्ड नहीं मिला गया? तो 181 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सोनिया गांधी। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट पास वन, क्विट इंडिया मूवमेंट को कब पास किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 8 अगस्त 1942। इंडस वैली पीपल वर्शिप विच एनिमल, इंडस वैली के जो पीपल थे वो किस एनिमल की पूजा करते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बुल। उसके बाद विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मरकरी। उसके बाद द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ऑकर ऑन, साल में कौन सा ऐसा दिन है जब अर्थ और सन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस रह जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, आपका 3 जनवरी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो इन्वेंटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अमीर खुसरो ने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज किया था? तो इसका जो है आपका आएगा सितार। उसके बाद हु फाउंडेड द श्रीनगर, श्रीनगर को किसने फाउंड किया था? उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, अशोका। 193, द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज हाईएस्ट ऑन, जो अर्थ की रोटेशन होती है उसी एक्सिस पे वो सबसे हाई पे कब होती है? तो 193 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इट नेवर चेंजेस, ये कभी चेंज नहीं करती। उसके बाद व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? तो 194 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच द सर्फेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, मून का कितना सरफेस अर्थ से विजिबल होता है, कितना हम लोग देख पाते हैं? 195 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अबाउट 59%। उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर में? 201 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये यूवी रेस से हम लोग को बचाती है ओजोन लेयर। उसके बाद व्हाट इज फॉग, फॉग क्या है? तो 202 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अ लो स्ट्रेटस क्लाउड। उसके बाद विच इज एन ऑर्गेनिक रॉक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक रॉक है? तो 202 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्स, ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से स्टार्स तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट को हम लोग यूज करते हैं? 196 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, लाइट ईयर्स। लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार रीचेज द अर्थ इन, लाइट जो होती है सबसे नियरेस्ट स्टार से अर्थ में कितने सेकंड्स में आ जाती है? तो 197 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 4.3 ईयर्स। उसके बाद है आपका द साउथ पोल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस लाइट एट द टाइम ऑफ, साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा लाइट कब रहती है? तो 198 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, विंटर सोल्स्टिस। उसके बाद मैच द फॉलोइंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इसमें आपको मैच करना है कि कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती है उस सीरीज में। तो 204 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, वेयर इज द डोल ड्रम्स बेल्ट लोकेटेड, डोल ड्रम बेल्ट जो है वो कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नियर द इक्वेटर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हाइग्रोमीटर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग 205, इसको आपको मैचिंग करनी है। तो 205 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए आपका। उसके बाद विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय ड्रेन लाइन, ड्रेन लाइन से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अलग हैं, अलग किया गया है उनको? तो 206 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी आपका, इंडिया एंड अफगानिस्तान।